हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट द केमिकल एंड केमिकल चेन। द चैप्टर इज 8 ऑफ क्लास 7। तो क्लास 7 के हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल एंड केमिकल चेन्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे चैप्टर के नाम में ही आ रहा है चेन्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चेन्स के बारे में, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड केमिकल चेन्स। उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मेनली चेन्स क्या होता है। तो इंग्लिश वर्ड में हम जानते हैं कि चेन्स का मतलब ही होता है कि बदलाव, किसी चीज में क्या है, बदलाव होना, दैट इज कॉल्ड चेंज। अब हम देखते हैं साइंस के दृष्टि से, साइंस के नजरिए से, साइंस के व्यू से चेंज का मतलब क्या होता है। तो साइंस में हम चेंज का मतलब क्या समझते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड, यहाँ पे देखो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, यहाँ पे चेंज हो रहा है। मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में, मिस दही में चेंज हो गया, तो ये एक चेंज हो गया। आप देखे होंगे कि आयरन में रस्ट, आयरन में जंग को लगते हुए, लोहे में जंग को लगते हुए, पहले लोहा रहता है कैसा, और फिर जंग लगने के बाद उसका एकदम चेंज हो जाता है, ये भी एक क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बहुत सारे चेंज यहाँ पे बताए हैं कि एक रबर बैंड है, एक रबर को आप ऐसे स्ट्रेच करो, ठीक, तो उसका क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो क्या हो गया, साइज उसका बड़ा हो गया, तो मीन्स वहां भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम पानी में शुगर को घोलते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पहले से उसका जो टेस्ट रहे या फिर आप जो कह ले उसका क्या कलर भी होता है, आप कोई कलर मिला दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, चीनी को मिलाने के बाद क्या हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी सब चीज के चेंज हम लोग बोलते हैं साइंस में, ठीक, साइंस के दृष्टि से चेंज यही होता है। तो इस चेंज को बेसिकली टू पार्ट में हम ब्रॉडली डिवाइड किया, अगर बड़े स्तर पर बात करें ब्रॉडली हम लोग इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन होता है केमिकल चेंज। तो हमारे आसपास में थाउजेंड्स ऑफ चेंज होते हैं, तो ये सारे चेंज को हम किस किस कैटेगरी में रखेंगे, हम कब बोलेंगे कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है, कब बोलेंगे किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हो रहा है, हम कैसे उस चीज को पहचानेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो केमिकल चेंज में आने से पहले हम लोग जानते हैं, सॉरी, फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की वो गुण होता है, वो प्रॉपर्टीज होता है जो उसके फिजिकल नेचर के गुण को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब क्या है, जैसे कि लाइक कलर, शेप, साइज, स्टेट। स्टेट कहने का मतलब होता है बच्चों, या सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें चेंज, चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। या अगर किसी चीज के कलर में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, या फिर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो कौन से चेंज के अंदर आएगा, वो आएगा बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, मीन्स उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल करने से पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है तो उस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। तो ये सारे प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी सब्सटेंस का इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो वैसे चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट विद द एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू इस चीज को हम समझते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आइस क्यूब को आप देखे होंगे कि बर्फ जो फ्रिज में रखा हुआ है, और बर्फ को जब बाहर लाते तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। वो आइस, पहले तो आइस था, बाहर जैसे आप लाते हो, अपने पाम पे रखते हो, हथेली पे रखते हो, तो वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। मीन्स आइस पहले था सॉलिड, अब क्या हो गया, पानी जैसे बना वाटर बना, तो वो हो गया लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन गया। मीन्स आइस क्यूब के स्टेट में चेंज हुआ, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इसके स्टेट में चेंज हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, बहुत आसानी से बोल देंगे कि ये हुआ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्रॉसिंग ऑफ कैन, कैन जो हम लोग आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ये सब क्या होता है, पीने के बाद उसको ऐसे पिचका देते तो वो पिचक जाता है, पहले उसका जो साइज था शेप था उससे क्या डिफरेंट हो जाता है, पहले वो सिलेंड्रिकल रहता लेकिन जैसे पिचका देते तो वो दोनों एकदम करीब में आ जाता है दोनों पोर्शन उसका, तो ये क्या हो गया, ये भी एक चेंज हो गया, वो क्या हो गया एक, उसको हम क्या बोलेंगे एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक। फिर बोलेंगे बॉइलिंग वाटर, वाटर जब बॉयल होते रहता है तो वो क्या वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ते रहता है, है ना। अब इसमें चेंज कैसे हो रहा है, तो आप क्या हो रहा है कि अगर हम वाटर को बॉयल जब कर रहे हैं ऊपर की ओर वो वाष्प बन के वेपर बन के उड़ रहा है उसके ऊपर आप प्लेट डाल दो, तो प्लेट डालने के बाद क्या हो जाता है कि प्लेट के ऊपर वो जो गैस होता है लिक्विड के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाता है, थोड़ा देखें एकदम हल्का हल्का उसका ड्रॉप रहेगा, ड्रॉपलेट जो होता है वाटर का हल्का हल्का ड्रॉप क्या आ जाता है उस किस पे प्लेट पे आ जाता है, मीन्स वो गैस फिर से किस में चेंज हो गया, वाटर गैस किस में, वो जो वेपर था वो वाटर में चेंज हो गया, मीन्स गैस फिर से बन गया क्या लिक्विड, यहाँ स्टेट में चेंज हो गया। तो वाटर को भी हम बॉयल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ हो रहा है फिजिकल चेंज। तो बच्चों फिजिकल चेंज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिजिकल जो चेंज होते हैं उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि आपको हम बताएं कि आइस क्यूब को बाहर लाते हैं पाम पे रखते तो वो पिघल जाता है वाटर बन जाता है, अगर फिर से आप वाटर को रख दोगे तो आइस क्यूब नहीं बन जाएगा, वाटर से आइस क्यूब भी बन जाएगा, आइस क्यूब से फिर से वाटर भी बन जाएगा, ओके। जब वाटर को आप बॉयल किए हो तो क्या देखो, वाटर को बॉयल करते हैं तो वो उड़ने लगता है ऊपर की ओर वेपर बन के, फिर उसके ऊपर आप ढक्कन डाल दो तो क्या हो जाएगा, फिर से वो वेपर वाटर में चेंज हो जाएगा, फिर उसको फिर से बॉयल कर देंगे उस वाटर को तो वो वेपर में चेंज हो गया, मतलब वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, ओके। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया कि ये होता है रिवर्सिबल, जनरली फिजिकल चेंज होता है हमारा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब अब फिर से समझे, रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, ठीक, उसका साइज तो बड़ा हो गया, रबर को हम जब स्ट्रेच करते खींचते हैं तो उसका साइज बड़ा हो गया, ओके। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, पहले जैसा था वैसा हो जाएगा ना। तो जो सब्सटेंस चेंज हो जाता है अब फिर से पहले वाले स्टेट में आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, रिवर्सिबल है, वो कैसे नेचर का, रिवर्सिबल नेचर का है, गॉट इट। आप मार्बल को देखें, कंचा या जिसको हम गोली भी बोलते हैं, ग्रीन रेड येलो ये सारे क्या है, मार्बल को आप एक साथ मिला दो, ठीक, तो वो भी एक चेंज है, वो भी आप क्या कलरफुल आपको लगने लगेगा वो देखने में, तो वो भी एक चेंज हो गया, लेकिन फिर से हम उसको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो फिजिकल चेंज, इसको भी हम कौन सा चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। होपफुली आपको फिजिकल चेंज समझ में आया होगा, इसमें जो की वर्ड है वो याद रखने वाला है, अगर किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी तो वहां पे हो रहा है कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, या उसके साइज में चेंज होता है, या शेप में चेंज हो रहा है, या फिर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर या फिर कलर में चेंज हो रहा है, तो वैसे सारे चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेंगे तभी हमको समझ में आएगा केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के वह गुण होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसके केमिकल नेचर के बारे में बताता है। लाइक अब केमिकल नेचर क्या क्या होता है, तो केमिकल नेचर के अंदर हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। लाइक अगर एग्जांपल में आप लो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं, फर्स्ट हो गया ऑक्सीडेशन, एक होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, नेक्स्ट हम फ्लेमेबिलिटी भी एक होता है चेंज, तो यहां ऑक्सीडेशन, फ्लेमेबिलिटी,
रिएक्टिविटी। अब इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि केमिकल चेंज में हमेशा ऑलवेज एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। जो सब्सटेंस एक बार बन गया फिर से वो पहले वाले रूप में नहीं आ सकता, पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता। फिजिकल चेंज में तो आता है, लेकिन केमिकल चेंज में ऑलवेज न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए बोलते हैं ऐसे चेंज को इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल बोलते हैं। फिजिकल चेंज को बेसिकली हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं और केमिकल चेंज को बोलते हैं इरिवर्सिबल। चलिए एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पहले जानते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है। तो जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिए, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, अगर किसी भी सब्सटेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स ये सारे प्रॉपर्टीज चेंज होगी, तो वैसे चेंज को ही हम बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, देन दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऑक्सीडेशन, जैसे कि आप लोग आयरन को देखे होइएगा या फिर कॉपर को देखे, कॉपर मीन्स तांबा, एल्युमिनियम को देखे होइएगा, ये सब को अगर हम लोग बहुत सारे रिंग भी पहने हुए रहते हैं, सिल्वर का रिंग पहने रहते हैं, चांदी का रिंग पहने रहते हैं, लेकिन बार बार उसको पहने रहने के कारण जब हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर हाथ डालते रहते हैं, तो देखते हैं कुछ दिन के बाद उसका कलर जो होता है फेड हो जाता है, कलर उस पर का उतर जाता है। तो मीन्स उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसा काहे हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, उसका कलर जो है सो उतर जाता है। फिर अगर आग और ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप आयरन देखे होंगे, आयरन लोहा को देखें, लोहे पे क्या हो जाता है, जो जंग लग जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? मलिन पड़ जाता है, उससे फाफड़ी सा जम जाता है। तो वहाँ भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये सारे ऐसा ही हम प्रॉपर्टीज को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गॉट इट? और ये ऑक्सीडेशन भी होता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। आप गोल्ड रखे होंगे, गोल्ड का आप अगर रिंग पहनो या फिर आप नेकलेस पहनते हो, ब्रेसलेट पहनते हो, जो भी पहनो आप गोल्ड, गोल्ड में एक ये प्रॉपर्टीज हो गया कि उसका कलर नहीं जाता है। आप वाटर के अंदर डालो या फिर कहीं पर अपना हाथ डालो या ऑलवेज पहने हुए रहो, उसका आप देखिएगा कलर नहीं जाता। उसके ऊपर डस्ट आ जाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। उसके अलावा भी बहुत सारे हमको बताया, सिल्वर बताया, फिर एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब सारे क्या होगा इसका या तो कलर, ये सब चेंज होते रहता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो ऐसे ही इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी कहने का क्या मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस कितना जल्दी फायर को कैच कर लेता है, फायर का जो सब्सटेंस जितना जल्दी कैच कर लेगा उसका फ्लेमेबिलिटी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कम होगा। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल में आप फायर को ले जाओ, आग को ले जाओ, तो क्या होता है उसके अंदर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और वही एक मोटा सा सिल्हा आप ले लो, उस सिल्हे में अब सिल्हे पे क्या हो आग लगा तो वो जल्दी नहीं जलेगा, मीन्स उसकी फ्लेमेबिलिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। बात आ रही समझ में? फ्लेमेबिलिटी, ये फ्लेमेबिलिटी को हम किस चेंज, किस प्रॉपर्टीज में रखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लाते हैं फ्लेमेबिलिटी को। गॉट इट? फ्लेमेबिलिटी आप समझ रहे हो ना, कोई भी सब्सटेंस कितना जल्दी फायर को कैच कर लेता है, कितना जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है, वही क्या कहलाता है? फ्लेमेबिलिटी कहलाता है। ओके, पेट्रोल का जैसे आपको हम बता दिए, फिर आपको बता बड़ा सा लकड़ी को ले लिए, उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ते रहता है, या बस शर्ट को, अब शर्ट में आग लगा क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लेता है इन कंपेरिजन। यही पे क्या होता है, शर्ट की अपेक्षा आप ले ले एक कॉटन के चीज़ में, एक रुई के चीज़ में आप आग लगा, वो बहुत जल्दी आग लग जाता है। फिर आप अपने हेयर को जब भी आपके फायर के पास, आग के पास ले जाइएगा, तो क्या होता है इसमें बहुत जल्दी इसमें आग लग जाता है। तो क्या है, इसका फ्लेमेबिलिटी बहुत कम होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्लेमेबिलिटी, जो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करना ही हम लोग उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी बोलते हैं। कोई सब्सटेंस क्या है, किसी सब्सटेंस से रिएक्शन कितना जल्दी कर लेता है, वही उसके, वो उसके किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी पे। वो सब्सटेंस उसे रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, इसी बात वो डिपेंड करेगा वो रिएक्टिविटी पे। जैसे गोल्ड जो होता है, सोना होता है, वो
आयरन से रिएक्ट करेगा कि नहीं, आयरन आयरन मीन्स लोहा, लोहा जो है सो कॉपर से रिएक्ट करेगा कि नहीं, आपस में वो दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसमें रिएक्टिविटी में देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल चेंज तो हम समझ ही गए, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर किसी सब्सटेंस का चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, जैसे आयरन में क्या होता है फाफड़ी सा जम जाता है, जब उसके ऊपर जंग लगता है आयरन के कोई भी चीज पे जंग लग जाता है क्या होता है फाफड़ी जैसा उसके ऊपर का लेयर हटते रहता है। तो यही बोलते हैं आयरन में मीन्स लोहे में जंग का लगना, वो कैसा चेंज है केमिकल चेंज। आप हमको बताओ अगर एक बार किसी भी आयरन में किसी लोहे के चीज में जंग लग जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा खराब हो जाएगा, तो आप पहले जैसा साइकिल में ही जंग लग गया तो क्या पहले जैसा साइकिल फिर से आ सकता है? नहीं। जैसा न्यू साइकिल ये जंग लगने के बाद क्या होता है फिर पहले जैसा वो होगा? नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। क्या हो गया? वो डिस्ट्रॉय हो गया। और हम पहले ही बता चुके हैं केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक बार जो बन गया वो चेंज नहीं होने वाला। एक बार अगर किसी चीज में जंग लग गया वो खराब हो गया फाफड़ी उस पर जमा हो गया फिर से आप उसको नया नहीं कर सकते, नेवर। ये होता है केमिकल। तो एक आपको एग्जांपल बता दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी में आग लगना। तो लकड़ी जब बर्निंग ऑफ वुड से क्या बोलते हैं एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, जब लकड़ी में आग लगता है तो वो एशेस में कन्वर्ट, वो राख बन जाता है। तो एक बार जब राख बन गया जब एशेस बन गई क्या उससे आप फिर से लकड़ी को बना सकते हो वुड को बना सकते हो? नेवर, नहीं बन सकता है। तो इस चेंज को भी हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब बेकिंग ऑफ केक, केक का पकना, एक बार अगर हम केक को पका लेते हैं पहले जो रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे चीज़ों से मिलकर क्या होता है केक को बनाते हैं, जब एक बार केक बन गया वो तैयार हो गया खाने योग्य हो गया तो क्या आप फिर से पहले जैसे उसको बना सकते हो? उसमें क्या क्या एग वगैरह मिलाते हैं या बहुत सारा सब्सटेंस मिलाते हैं, क्या सबको अलग कर सकते हैं? क्या फिर से आपको एग मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है। मीन्स ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में याद रखने वाला कि ऑलवेज एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा जो वॉच है, वॉच वॉच का जो आप कलर देख रहे हैं साइज देख रहे हैं शेप देख रहे हैं ये सारे क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। गॉट इट? तो होपफुली आपको केमिकल चेंज फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ से आगे हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे लेकिन अब बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में एक समीकरण के द्वारा। एक क्या करेंगे एक समीकरण के द्वारा हम अब ये केमिकल चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे एक इक्वेशन के द्वारा। अब जो भी केमिकल चेंज के बारे में बात होगी वो इक्वेशन की हेल्प से होगी। तो ये जो एक रफली आइडिया था फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता नहीं होता उससे आपको हम लोग अवगत करवाए हैं। अब हम लोग इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे केमिकल चेंज कैसे होता है क्या क्या उसके अंदर होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ।